मरहबा नबीबीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर साद। और कैसे आप लोग, ये हमारा लास्ट व्लॉग है राजस्थान में। यही व्लॉग में हम पहुंच जाएंगे मुंबई भी। तो अभी हम जा रहे हैं सीकर मार्केट। सीकर मार्केट बहुत बड़ा है, हम जितना कवर कर सकते करते हैं। और हम जा रहे हैं 100 साल पुरानी सबसे फेमस सीकर की कचौरी वाले के पास, जो मैं थोड़े व्लॉग में पहले बता चुका हूँ। वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ की कचौरी भी खा के दिखाएंगे, थोड़ा बहुत फूड व्लॉग भी कर लेंगे, थोड़ा मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेंगे और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे बस निकलते हैं। अभी कैसा है, दोपहर का टाइम है, धूप ज़्यादा है, बस मैं डायरेक्ट मार्केट पहुंच के आपको मिलता हूँ। ओके चलो। आपने जो अभी लास्ट वीडियो देखी, वो एक तरह से छोटा देवनार होता है। वहाँ पे हफ्ते में 2 से 3 बार है ना ऐसे राउंड लगते हैं, और सब अपने जंगलों में जो बकरे पकड़ के लाते हैं वो यहाँ पे लाके बेचते हैं। तो यहाँ पे यहाँ के लोग बताते हैं, यहाँ पे दिन में जब बकरे बिकते हैं ना, तो 1 CR के ऊपर का धंधा होता है। बहुत बड़ी जगह ही है, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और बस हम अभी पहुँचने ही वाले हैं, मार्केट आ चुका है। तो एक अच्छा सा आपको व्यू देता हूँ। ये थी स्ट्रीट्स ऑफ राजस्थान। अभी कैसा है, हम दोपहर के टाइम पे गए थे, तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, थोड़ा क्या पानी का लेवल बराबर रखने के लिए जूस वगैरह पीना पड़ता है। तो फिर हम लोग सब दोस्त लोग गए पारिक जूस सेंटर, वो आप देखो। उसके बाद जाएंगे कचौरी वाले के पास, वो भी आप देखो। तो चलो, तो बस अभी खा के निकले हैं, पी के निकले, अभी जा रहे हैं 100 साल पुराने कचौरी की दुकान के पास, वो वहाँ पे अंदर मार्केट में। ये मेन है, यहाँ पे फतेहपुरी गेट है, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है पूरा आगे तक। जवाहर जी पांड्या, 100 साल पुराने दुकान है। इनके दिन की कम से कम है ना 3000 कचौरियाँ बिकती है, और ये 100 साल पुराने हैं। थी ये 100 साल पुरानी कचौरी की दुकान। यहाँ पे कम से कम दिन में 5000 के भी ऊपर, 3000 तो मैं कम से कम बताया, 5000 के आसपास कचौरियाँ बिकती है। और इनकी 4 से 5 ब्रांच है सीकर के अंदर। तो आप लोग कभी भी जाओगे ना तो ज़रूर ट्राई करना। अभी हम कचौरी खा के हो गए, अभी मार्केट कपड़े वाले मार्केट की ओर से, ये फतेहपुरी गेट वाले मार्केट की ओर से हम जा रहे हैं गोल्ड मार्केट। और गोल्ड मार्केट के अंदर आती है मिठाई की शॉप, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो सीकर का सबसे फेमस, मतलब राजस्थान के अंदर काउंटिंग में वो भी आता है, लादूराम हलवाई, लेकिन हमारे सीकर में उसके जैसे पेड़ा तो कोई नहीं बनाता है। मैं जब भी आता हूँ मुंबई लेके ही आता हूँ। तो आप लोग भी कभी जाओगे तो खाना, भी बात ज़्यादा हो गई, चलो व्लॉग दिखाता हूँ। ये हम लोग आगे पूरा, ये गोल्ड मार्केट है, यहाँ पे हर एक दुकान छोड़ के आपको गोल्ड मार्केट ही मिलेगा, मतलब गोल्ड सिल्वर है। ये लादूराम यहाँ का सबसे फेमस है, और अभी उसके पेड़े चके जा रहे हैं।
आपने अभी लास्ट क्लिप में देखे ये है जोधपुर स्वीट्स, इनके पास वैरायटी ऑफ स्वीट्स है यहाँ पे ए टू जेड, आपको जो मिठाई चाहिए सब इनके पास मिलेगी। भुजिया भी मिलते हैं बीका जी के, और बीकानेरी सेव वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा जो राजस्थान के ट्रेडिशनल मिठाई है। सो अभी हम जा रहे हैं जयपुर की ओर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम यही व्लॉग में मुंबई आ जाएंगे, तो अभी आपको छोटे से क्लिप जयपुर की दिखाता हूँ, उसके बाद ये व्लॉग एंड करेंगे। ठीक है, अभी देखो एंड करेंगे। Next day. So finally आ चुके हैं हम मुंबई, और देखो हमसे मिलने कौन आया है, मुंबई पुलिस। So this is all about this vlog. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर हमने राजस्थान डायरीज कंप्लीट कर लिया है, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। इस बार ऐसा है कि हमने 4K में कंप्लीट किया, पिछली बार हमारे पास क्लैरिटी नहीं थी, ये बार हमारे पास है। तो अभी कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट व्लॉग क्या देखना है, क्योंकि अब मुंबई में आ चुके हैं, मुंबई एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, खाना पीना घूमना फिरना, नई टेक्नोलॉजी न्यू टेक व्लॉग सब अभी धीरे धीरे करके बनाएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट साथ में रखो, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करा दो। देखो अभी 21 ख़त्म होने से पहले हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगी, अलग ही सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ व्लॉग एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बोलो सुबह केसरी। अरे नहीं यार, पीस आउट, चलो बाय।